सो व्हाट इज अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज सचिन भट्ट। मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम पे नेचुरली फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, और ये जो मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं ये आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं यहां पे फेक फॉलोअर्स एंड नेचुरल फॉलोअर्स, इन दोनों में से आपको क्या चुनना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को नेचुरल फॉलोअर्स की तरफ ही जाना चाहिए। जहां पे आप 10,000 फेक फॉलोअर ले लोगे, वहीं पे आप 200-300 नेचुरल फॉलोअर्स जो होंगे वो आपके उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे आपके पोस्ट एंड स्टेटस पे। तो मेन कहने का मतलब यही है कि अगर आप खुद देखोगे कि आपके पास 50,000 फॉलोअर हो गए फेक, आपने 50,000 फेक फॉलोअर ले लिए, लेकिन उसमें से वो 500 भी लाइक नहीं आ रही है, अगर वहीं पे अगर आप नेचुरल फॉलोअर्स लेते हो तो मिनिमम 10% का वहां पे आपको एक्टिवनेस मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके नेचुरल फॉलोअर है, आप अगर मान लो पोस्टिंग नहीं करते वो अलग की बात है, अगर आप उस पर एक्टिव ही नहीं हो तो भाई वो डीएक्टिवेट होंगे, क्योंकि लोग भी आपको याद रखते हैं, तभी जाके आपके पोस्ट्स एंड वीडियोस पे एंगेजमेंट मिलता है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली पोस्ट ना करो तो वो भूल जाएंगे, चाहे वो एक्टिव हो चाहे फेक। फेक तो वैसे भी शुरू फर्स्ट डे से ही बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिलता, फिर आपको फेक लाइक लेनी पड़ती है, फिर जब भी मतलब वो यार फील नहीं आती कि हाँ मेरे इतने नेचुरल फॉलोअर्स हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, अंदर से आपको भी पता है कि आप फेक लेके और यू नो झूठी पॉपुलरिटी लेके बैठे हो, तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके नेचुरल फॉलोअर बढ़ेंगे, या फिर नेचुरल फॉलोअर किस चीज़ से बेसिकली बढ़ते हैं? तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को कुछ यू नो दिखाना है कि हाँ भाई मैं ये हूँ, मुझे फॉलो करो। आपको फॉलो करने से दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है? आप अगर रोज चश्मा पहन के फोटो डाल दो, उससे क्या फ़ायदा है? मतलब लोग, या तो आप कोई सेलिब्रिटी हो, या तो आपके पास कोई स्किल हो, या तो आप लोगों को कोई नॉलेज दो, तभी आपको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली पीली कोई फॉलो नहीं करने वाला। अगर आप भी हो या मैं भी हूँ, तो हम यही सोचते हैं कि चलो यार इस बंदे को फॉलो कर लेते, अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। तो आपको अपने प्रोफाइल पे ये शो करना है कि हाँ आपको फॉलो करने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, या फिर उन लोगों को क्या आप टिप दे सकते हो, या फिर क्या उस आपको आपसे बेनिफिट होने वाला है, तब आपके फॉलोइंग इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। या तो आप सेलिब्रिटी हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा प्रोफाइल देख लो, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को 2,000 लोग फॉलो करते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल है। यहाँ पे मैं इनएक्टिव हूँ, 20-25-30 पोस्ट के करीब में ही डाले हैं, लेकिन जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं ये देखो सारे एकदम रियल हैं, आप लोग खुद देख लो, सारे इंडियन फॉलोअर्स हैं, सारे अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, तो यहाँ पे 200-400 लाइक हमेशा आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर अकाउंट बनाना है, प्रॉपर आपको ये दर्शाना है कि हाँ मैं ये करता हूँ, कि लोग देखे आके अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करें तो उनको लगे कि हाँ भाई इस बंदे को फॉलो करना चाहिए। एक प्रोफेशनलिज्म लाओ अपने अकाउंट में, क्वालिटी फोटोज ऑल्सो मैटर करते हैं। अगर आपको नेचुरली फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आप लोगों के अपने अकाउंट में क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला कि यार कैसे भी करके फोटो डाल दिया। और आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए आप मान लो हेल्थ से रिलेटेड लोगों को गाइड देते हो, या फिर मान लो आप लोगों को यू नो लाइक बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड गाइड देते हो, तो आपको हैशटैग यूज करने हैं। अब हैशटैग क्या होते हैं, पहले हैशटैग में फॉलोइंग का फीचर नहीं था, अब हम अपने खुद हैशटैग को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं, मुझे कोई फिटनेस रिलेटेड हैशटैग पसंद है तो मैं उसको फॉलो कर लूंगा, तो जितने भी उस पर्टिकुलर हैशटैग में मेरे पोस्ट होंगे या फिर लोग पोस्ट करने वाले हैं, वो सारे लोगों के वॉल पे जाएंगे एंड लोग उसको पर्टिकुलर लाइक करेंगे। तो ऐसा ही अगर आप फिटनेस के ऊपर डाल रहे हो और फिटनेस के हैशटैग पे जितने लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ, वो सबके वॉल पे जाएगा आपका पोस्ट और लोगों तक पहुंचेगा, फिर वो आपके हो सकता है कि आपके प्रोफाइल पे विजिट करके आपको फॉलो कर ले, तो यहाँ पे इससे भी फॉलोइंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब हैशटैग कैसे यूज करने हैं, ऐसा नहीं करना कि आपको बिलियन मिलियन में जो हैशटैग है, अगर आपका प्रोफाइल नया है, अगर आप शुरू में प्रोफाइल नया गेन कर रहे हो, फॉलोअर्स नए गेन कर रहे हो, आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको छोटे हैशटैग्स को टैग करना है, जैसे कि 10,000, 15,000, 5,000, 20,000 इस तरीके से। ऐसा नहीं कि लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ को टैग कर दिए तो आपको ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े, नहीं, इन सब पे भी ट्रैफिक होता है और यहाँ पे जो फॉलोअर्स आपको मिलेंगे वो क्वालिटी के फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने के, यूट्यूब शॉर्ट्स। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनके 100-200 फॉलोअर्स थे और आज की डेट में 1 लाख फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स बनाना चालू कर लिया। आपका कोई भी निच है, आपका कोई भी टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक पर, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है और आप उसमें कोई भी अपने स्किल बनाते हो,
तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप जो है शॉर्ट्स बना सकते हो। जैसे मान लो आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल है, तो लोगों को आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नॉलेज दे सकते हो छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के। एंड शॉर्ट वीडियोस का पॉपुलर होने के चांसेस अभी के टाइम में बहुत ज्यादा है। और जैसे मान लो आपके टॉपिक में और ज्यादा जैसे बंदे हैं, सपोज मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है और मैं क्या करता हूँ कि अपने बॉडी बिल्डर्स को और जो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये मेरे तरीके का है या फिर मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं छोटे मोटे, उनको टैग करने लग जाओ, वो भी आपकी स्टोरी को टैग करेंगे, फिर आपकी स्टोरी उन तक पहुंचेगी। इस तरीके से जो है आपको उनके ऑडियंस मिलेंगे और आपके ऑडियंस जो है वो वहां पे जाएंगे। आपके ऑडियंस तो आपको अनफॉलो करने वाले नहीं है, वो उनको फॉलो कर लेंगे और उनके ऑडियंस आपको फॉलो करने वाले हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से साउट आउट भी देना बोलते हैं। आप उनको मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि ब्रो साउट आउट दे दो, या फिर आप उनकी स्टोरीज को जो है मेंशन करोगे। एंड ये एक अच्छे यू नो अच्छाई के तौर पर वो भी आप लोगों को मेंशन करने वाले हैं कि हाँ भाई इनको फॉलो करो। इस तरीके से आप उनको टैग करके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा तकनीक है और काफ़ी यूजफुल तकनीक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं खुद पर्सनली बात करूँ तो मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ ज़्यादातर टाइम, एंड ऐड से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स मिलते हैं, क्वालिटी फॉलोअर्स मिल जाते हैं ऐड से। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरीके से एडवर्टीजमेंट सेट करके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स गेन किए जाते हैं। एंड बहुत ही अच्छा रिलायबल तरीका है, क्वालिटी फॉलोअर्स आते हैं। तो अगर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट आता है तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को जरूर एडवर्टीजमेंट ट्राई करना चाहिए। यू नो लाइक बहुत ही सस्ते में अच्छे फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं एंड वो फॉलोअर्स होंगे काफ़ी एक्टिव। और सबसे मेन बात ये है कि आपको फॉलोअर्स गेन करना है तो एक्टिवली पोस्टिंग करते रहो, डीएक्टिवेट मत छोड़ो। मेरी तरह जैसे मैं अपने अकाउंट पर काफ़ी टाइम तक पोस्ट वगैरह ही नहीं करता, तो आप मेरी तरह मत करो। आप रेगुलर रहो इस पर और रेगुलर रहोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। इंस्टाग्राम खुद भी अपने एआई के थ्रू आपको बूस्ट देने की कोशिश करता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।